चलो सर। मैं भी भूल गई क्या। आ जाना ईशा, ईशा आओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज आई हैं मेरी मुमानी मेरे घर, और अम्मी गई हुई थी रहने के लिए मुमानी के घर। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, हम लोग अम्मी को छोड़ने गए थे मामू के घर, आज अम्मी वापस आई हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, अभी मेरी दोनों सिस्टर्स भी आने वाली हैं। अभी मेरी एक सिस्टर आ चुकी हैं, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। और ये बच्चों के देखिए खेल आते ही स्टार्ट हो गया है, भैया ने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं तो वो माँ हमको दिखा रहे हैं। साथ साथ मैं खाना भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि लाइट भी चली जाती है और गैस भी चली जाती है, इस वजह से खाना साथ साथ बन रहा है। बिरयानी बन चुकी है, अभी मैं बना रही हूँ अचारी कीमा, और बिरयानी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मीठा मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि सबके आने का भी अचानक ही पता चला था, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनाई हैं। अब मेरी बड़ी सिस्टर भी आ चुकी हैं। सब अपने अपने ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। यहाँ पर मेरी जेठानी के बच्चे भी आए हुए हैं, ये लोग भी बैठे हुए हैं, बातें बातें कर रहे हैं। और अब मैं कर रही हूँ खाना निकालने की तैयारी, और दस्तर बिछा चुके हैं और खाना भी रख दिया है। अब सब खाना एंजॉय करेंगे, माशाल्लाह से सब बैठकर खाना खा रहे हैं। अभी आधे लोग बैठे हैं और आधे लोग जो है एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, जो कि मैं आके आपको दिखाती हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर मेरी बेटी अपनी कज़न के साथ मिलकर सरप्राइज़ की तैयारी कर रही हैं। इन लोगों ने बलून्स लाए हुए हैं और वो सब इसे रेडी कर रहे हैं। और अभी हम कुछ देर में देखेंगे कि ये किस तरह का सरप्राइज़ अरेंज करते हैं, और आगे आपको बताएंगे कि सरप्राइज़ किसके लिए और क्यों अरेंज किया जा रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं बलून्स, इसके अंदर इन लोगों ने जो फिलिंग की है बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। और यहाँ पर चल रहा है खाना, और रैयान खाना खा नहीं रहे हैं, शुगर के साथ इन्हें खाना खाना है, क्योंकि इन्हें शायद स्पाइसी लग रहा है खाना। और माँ हम इनको खिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब मैंने हलवा भी निकाल दिया था ताकि हम सब खा पी कर फारिग हो जाएं, क्योंकि 12 बजने वाले थे और सरप्राइज़ का टाइम होने वाला था, तो हमने अपने काम जल्द अज जल्द निपटाने थे। तो हम सब ने फिर हलवा खाया। और देखिए सब कुछ रेडी हो चुका है, जैसे ही 12 बजेंगे हम ये सारी चीज़ें उस रूम में लेकर जाएंगे। वहाँ पर सब बैठे हैं, और फिर जिसको सरप्राइज़ दिया जा रहा है उसे भी लेकर आएंगे, ताकि उसे अच्छा सा सरप्राइज़ मिले। और ये देखें पूरी सेटिंग हो चुकी है।
जी तो अब आप लोगों की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अब आपको बताते हैं कि ये सब सरप्राइज़ किसके लिए अरेंज किया गया है। ये सरप्राइज़ मेरी बेटी के लिए अरेंज किया गया है, उसकी एनिवर्सरी थी पिछले साल जो है 3 जुलाई को उसका निकाह हुआ था, तो आज उसके लिए ही उसके हस्बैंड ने ये अरेंज करवाया है। आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरी बेटी के निकाह की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। माशाल्लाह से अब 1 साल गुजर चुका है, अल्लाह ताला मेरी बेटियों के और तमाम बेटियों के नसीब अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। केक कटिंग हो चुकी है, अब मेरी बेटी जो है केक के पीसेस कर रही हैं और सबको सर्व कर रही हैं। सबको ही ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, काफ़ी रात हो चुकी थी तो बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बहुत जल्द आप लोगों से एक नई वीडियो मिलेंगे, मेरे मामू के बेटे की, मेरे कज़न की जो है अभी ढोलकी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा मेरी वीडियो। के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। और यहाँ पर जो मेरी जेठानी के बच्चे आए हुए थे बैठकर वो खाना खा रहे हैं। अब मेरी सिस्टर्स दोनों जा रही हैं अपने घर, मेरा बेटा इन्हें छोड़ने के लिए जा रहा है, बल्कि सभी बच्चे भी साथ ही जा रहे हैं दोनों सिस्टर्स को ड्रॉप करने के लिए। अब हमने इन लोगों को अल्लाह हाफिज़ किया और अब मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।